कोचिंग हादसे वाली जगह पहुंचे दिल्ली के एलजी। आपको बता दें एलजी ने अफसरों से हादसे की जानकारी ली और वहीं पर मौजूद आपने एलजी के इस्तीफे की मांग की है। आपके तमाम कार्यकर्ता इस वक्त वहां पर यानी कि ओल्ड राजेंद्र नगर में प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आपने एलजी पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया, अपराधियों पर कार्रवाई नहीं की गई है। आपकी तरफ से ये कहा गया धरने पर तमाम आपके कार्यकर्ता इस वक्त वहां पर बैठे हुए। आपको बता दें ओल्ड राजेंद्र नगर के राउज आईएएस कोचिंग सेंटर में बड़ा हादसा हो गया था। वहां पर बारिश का पानी बेसमेंट में घुसने की वजह से 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद वहां पर लगातार बवाल मचा हुआ है और आप जो है वो लगातार ये आरोप लगा रहा है कि एलजी ने कोई भी कार्रवाई इन तमाम लोगों पर अब तक नहीं की है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार जो है आप पर आरोप लगा रही है कि दिल्ली के पूरे सीवर सिस्टम पर कोई काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से आए दिन ऐसे हादसे देखने पड़ते हैं। जो बच्चों जिन्होंने अपनी जानें खोई हैं उनके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे उनको जो है मैक्सिमम कंपनसेशन दिया जा सकता है। मैं कि ये नहीं है बंद हो, परमानेंट सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। ये टेम्परेरी सोल्यूशन से काम नहीं चलेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप प्लीज थोड़ा सा विश्वास रखिए, थोड़ा सा विश्वास रखिए। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा और आपको बताऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं।